सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो गाइस, मैं अभी रेडी हुई हूँ और आज का वीडियो स्पेशल होने वाला है। पहले तो पूछती हूँ आपसे कि मैं कैसी लग रही हूँ, कमेंट में ज़रूर बताना। और मेरा मेकअप भी कैसा लगता है आपको, वो भी बताना कमेंट में ज़रूर। ब्लैक ब्लैक आ रही है, फिर एक मिनट ओढ़नी ऐसी हो रही है फुली फुली। तो गाइस, आज मैं दिखाने वाली हूँ मेरी मम्मी की शादी की पोशाक, तो बने रहिए मेरे ब्लॉग में और दिखाती हूँ आपको बहुत ही सुंदर सुंदर पोशाक है मेरी मम्मी की। और स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो गाइस, मम्मी की मेरी की शादी की पोशाकें भी है और जो नावण होता है या जलवा जलवा ही बोलते हैं मम्मी तो मुझे इतना पता नहीं है। तो गाइस, जलवा वगैरह होता है ना, तब मम्मी मेरे भाई वगैरह हुए थे तब आई थी, वो सारी पोशाकें मैं लेके आई हूँ मम्मी की। तो मैं मम्मी की अभी दिखाऊंगी मैं आपको पग फेरे की जो होती है ना उतार बड़ी पोशाक है ना, उतार भरी जो होती है वो वाली दिखाऊंगी। तो गाइज, इतनी सुंदर पोशाक और इतनी भारी है, हैवी है इतनी ज़्यादा। तो गाइज दिखाओ मम्मी, पास लिया हो यहाँ। तो गाइज ये देखो, बहुत ही सुंदर वर्क है और इतने इसमें घेर देखो गाइज, तब शानदार घेर है, बहुत ही शानदार। और इसका वर्क मैम पास से दिखाओ, और इसका इस पर लाना है ना घर से। तो गाइज ये देखो, इतना प्यारा है, मोती का काम भी है और ये जरी का होता है वो है, और अभी तक वैसा का वैसा काम है, कुछ भी नहीं चेंज हुआ है गाइज। कम से कम 30-32 साल हो गए मम्मी की शादी को और मम्मी ने इतनी अच्छे से संभाल के रख रखी थी। और अभी मेरे को, मैं गई थी तब मुझे मिल गई, तो फिर मैंने बहुत सोचा कि मैं वीडियो बनाऊँगी और पहन के भी वीडियो बनाऊँगी। गाइज मेरे शॉर्ट वीडियो देखना आप। तो ये बहुत ही सुंदर पोशाक है और ये है इसकी कांचली पे भी काम है ये, और इसकी कुर्ती पे भी काम है। ये देखो गाइस, कुर्ती पे भी कितना सुंदर काम है, पास से देखो। अब देखो कैसा वीडियो है। तो गाइस, अब दिखाऊंगी मैं इसकी ओढ़नी, और इसकी ओढ़नी कुछ अलग है। मतलब अब तो ज्वारे वगैरह लगाते हैं ओढ़नी में, और इसमें कोई ज्वारे नहीं लगा रखे मम्मी की, और इसमें पूरे में वर्क है, पूरी में देखो आप, पूरे में वर्क है ओढ़नी में, और ओढ़नी बहुत भारी है कैसे ओढ़ा होगा इसको। तो गाइस देखो, ये वाला गोटा जो है ना मोती का, वो वाला लगा रखा है। ये छोटे छोटे से ज्वारे से लग रहा है, ये वाले गोटा लग रहा है, अब तो अलग लगता है पर पहले ये लगता था शायद। तो ये है, और इसके पल्लू पे ये काम है, ये वैसा ही जैसा लहंगे पे था। और इसकी पूरी ओढ़नी पे वर्क आप देख ही सकते हैं, पूरी ओढ़नी पे वर्क। ये थी मेरी मम्मी की उतार भरी पोशाक, और अब मैं दिखाऊंगी आपको फेरों की पोशाक। तो फटाफट इसको हटाते हैं और फेरों की पोशाक दिखाते हैं आपको। फेरों की पोशाक गाइस, फेरों की पोशाक कुछ ऐसी। तो गाइस, फेरों की पोशाक में बस एक दिक्कत है कि फेरों की पोशाक की ओढ़नी फेरों की पोशाक की जो है ओढ़नी नहीं है। तो गाइस ये देखो फेरों की पोशाक, और ये तो बिल्कुल सिंपल सी पोशाक है, पता नहीं क्या सोच के लाए थे सिंपल सी वो बहुत हैवी है, और ये सिंपल है, और कुछ इसमें ऐसा मैंने नीचे के रख सारे से तारे दिखो जो। तो ये गोटे का मगजी अभी जो चल रहा है ना गोटे का, वो ही गोटे का काम है इसमें। और ये पवरी की पोशाक है, पवरी का काम है इसमें, गोटा पवरी का काम है इसमें। तो ये है गाइज मम्मी की फेरों की पोशाक, और ये तो सिंपल है गाइज। इसकी है ना, ये है इसकी कुर्ती, इसकी ओढ़नी मुझे मिली ही नहीं, पता नहीं कहाँ गई। तो ये है इसकी कुर्ती, और ये इसकी कांचली गाइस, ये भी बहुत सुंदर पोशाक है। इसमें ओढ़नी बनवा सकती हूँ मैं, ग्रीन कलर की ओढ़नी इस पर अच्छी लगेगी, फिर मैं इसको पहनूँगी।
वेयर करूँगी इसको, क्योंकि ये बिल्कुल साफ सुथरी है, सब गंदी वगैरह नहीं हो रही, और अपन डाइट भी करवा लेंगे तो और भी अच्छी लगेगी। तो गाइज ये थी मेरी मम्मी की फेरों की पोशाक, और अब दिखाऊंगी मैं आपको कि जो मेरी मम्मी की आई थी, मेरा भाई हुआ था बड़ा वाला मनोज, तब आई थी मम्मी के जलवे पे ये वाली पोशाक। गाइज ये भी बहुत सुंदर पोशाक है, ये देखो पीले की पोशाक है ये, और इसमें भी देखो जरी का काम है, बहुत ही सुंदर सा लाइट वेट सा, और ये बहुत ही सुंदर पोशाक है ये भी, तो इसको भी मैं वेयर करूँगी। और इसकी ओढ़नी भी दिखाती हूँ आपको, इसकी ओढ़नी बहुत सुंदर है भाई, इसकी ओढ़नी में भी, इसकी ओढ़नी में पूरे में काम है, इसकी ओढ़नी सबसे सुंदर लगती है। ये मैंने पहनी भी थी पहले एक बार शादी से पहले, तो भाई इसमें देखो छोटा छोटा गोटा लग रहा है, और इसके पूरे में वर्क है इसकी देखो, और अभी तक काला नहीं पड़ा अभी तक, नहीं मम्मी? तो भाई मम्मी वीडियो बना रही है इसलिए मैं मम्मी से पूछ रही हूँ बार बार में, और बिल्कुल भी गंदी नहीं हुई है पोशाक भी, और इसका भी वर्क काला नहीं पड़ा है। तो गाइस सबसे अच्छी बात यह है कि ये जो पहले का वर्क है वो काला नहीं पड़ा, ब्लैक नहीं हुआ, आजकल तो हो जाता है, अपन इतना केयर करते हैं पोशाक की तब तो फिर भी थोड़ा चल जाता है, नहीं तो ज़रूर काला पड़ ही जाता है, इतना लंबा नहीं चल पाता। और ये पोशाक तो कम से कम 30 साल पहले की है, 30-32 साल जरूर हो गए होंगे मम्मी की शादी को, तो ये जब की पोशाक है, और ये तो ये थोड़ी कम की होगी, मेरे भाई 28 का हो गया होगा तब की होगी। और ये हुआ था, ये थी ये पोशाक है गाइस, मेरा छोटा वाला भाई हुआ था तब की। तो गाइस ये तो थोड़ी गंदी हो गई मम्मी की, पता नहीं कैसे क्या इसमें थोड़े निशान हो रहे हैं। तो गाइस ये बिल्कुल लाइट वेट है, बिल्कुल लाइट वेट। तो गाइस ये भी सुंदर सी है, बिल्कुल हल्का सा वर्क है इसमें, ये नानी का लहंगा है। तो गाइस ये है इसकी कुर्ती, इसका कलर बहुत प्यारा है। तो गाइस ये थी पीले की पोशाक। तो गाइस ये मम्मी की पोशाकें थी जो मैंने आपको दिखाई है, और आप कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको कैसी लगी, और मैंने इसलिए दिखाई है कि पहले कैसी चलती थी पोशाकें, तो उस पर्पज़ से मैंने ये सारी पोशाकें दिखाई है आपको। और इसकी ओढ़नी सारे पास है, इसकी ओढ़नी बहुत सुंदर थी, पता नहीं क्या चलिए इसकी ओढ़नी तंग का है, इसकी ओढ़नी ना गाइस मैं आदि की ओढ़नी, किसी की कुर्ती, किसी काजली भूल के आ गई। तो गाइस इसकी ओढ़नी भी बहुत सुंदर है, मम्मी ओढ़ती भी है इसकी ओढ़नी कभी कभी, जब कुछ भी ऐसे होता है ना कहानी वानी सुनती है तब, तो शायद मम्मी के पास रह गई होगी, चलो कोई बात नहीं। तो गाइस मैंने इसलिए दिखाई थी कि पहले कैसी पोशाकें चलती थी, और सबसे अच्छा है कि वर्क कितना अच्छा होता था, कि ब्लैक नहीं पड़ता बिल्कुल भी, और आजकल तो हो जाता है पर, और ये